अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इस वक्त आ चुके हैं केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। और ये आप लोगों की पहली क्लास होती है पूरे दिन की कि जो आप लोगों को लेना होती है, उसके बाद फिर बाकी क्लासेस जो हैं उसी तरह से शेड्यूल होती हैं जो आपने लेना होती हैं, ठीक है। सो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इस क्लास के अंदर जो हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं, तरोताज़ा होते हैं, ठीक है, थके हुए भी नहीं होते। सो आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए और रहनी भी चाहिए, ठीक है। थ्रू आउट द क्लास आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है जी। सो इसी जो है उम्मीद को लेते हुए मैं इस वक्त आगे चलूंगा और नेक्स्ट जो है आप लोगों से डिस्कशन जो है वो कैरी करूंगा। और आप लोग ये बात जानते हैं कि हम जो है हर दिन मुलाकात करते हैं इसी वक्त, ठीक है, यानी कि सेम टाइम के ऊपर मुलाकात करते हैं। और लास्ट टाइम हम जो है जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे, जो चीज़ आगे लेके चल रहे थे, ठीक है, वो बेसिकली तौर पे हमारे पास मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स थी किस चीज़ की, भाई, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। समहाउ मैंने थोड़ा सा ब्रीफली तौर पे जो है एक्सप्लेन किया था। अब मैं चाहूंगा कि मैं उसको फर्दर आगे लेके चलूं, जो पॉइंट्स मैं कल डिस्कस नहीं कर सका उन पॉइंट्स को क्लेरिफाई करूं, उनको मैं समझाऊं आप लोगों को, ठीक है भाई। सो इस वक्त जो है आपके सामने, इस वक्त जो है मैं थर्ड पॉइंट ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, मैं इसी पॉइंट से ही आगे लेके चलूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि भाई जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसकी और क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने अभी तक नहीं देखी, जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो ये वर्ड अभी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है या कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हम इसके हवाले से बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब होता है बैलेंसिंग। क्या होता है इसका मतलब? बैलेंसिंग होता है यानी बैलेंस आउट करना होता है, ठीक हो गया। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हमने जो है अभी पिछले ही लेक्चर्स के अंदर मैंने कुछ आप लोगों के साथ जो है डायग्राम शो की थी, जैसे कि एक डायग्राम थी जिसमें कि एक कश्ती थी जिसमें जो है क्या करते हैं भाई कि जो कश्ती थी उसके अंदर जो है सुराख हुआ हुआ था, पानी आ रहा था, ठीक है, और वो जो दूसरा जो उसमें मौजूद बना था वो कोशिश कर रहा था कि वो उस पानी को बाहर गिरा सके। जितना पानी वो बाहर गिरा था उतना ही पानी जो है कश्ती के अंदर आता जा रहा था। तो ये बेसिक तौर पे एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने सेट की थी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक हो गया। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त देखते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो है मेंशन की हुई है। मैं इसको ब्रीफ करूंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करूंगा। मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की और खास करके डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं कि जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और जिसमें रिएक्शन बैकवर्ड भी जाता है, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है, इक्विलिब्रियम गेन हो जाने के बावजूद भी हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है, ठीक है, वो उसको उसके हवाले से हम कहते हैं कि वो स्टॉप नहीं होता, वो चलता रहता है, वो ऐसे जैसे पहले चल रहा था बिफोर इक्विलिब्रियम वैसे बाद में भी चलता रहेगा। यानी रिएक्टेंट्स कंबाइन होते जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में दोबारा से कन्वर्ट होते जाएंगे। ये प्रोसेस टू वे का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि चूंकि जब एक दफा स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई किसी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट है और प्रोडक्ट की अमाउंट है ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो अमाउंट्स हैं ये चेंज नहीं होंगी, ये कांस्टेंट रह जाएंगी, ठीक है। यानी कि देखो ना, आपने ये बात पढ़ी भी है, मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स पहले भी कोट की थी, जिस तरह के हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड मैंने आप लोगों से बात क्लियरली तौर पर कही थी कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और इनके थ्रू जो है फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ठीक है। हमने ये बात देखी थी कि आयोडीन इटसेल्फ जो है वो पर्पल कलर की है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलता है, मूव करता है, तो हाइड्रोजन आयोडीन सेलेक्ट करके उसे कंज्यूम करके उसके कलर को क्या करना शुरू कर देता है, लाइटर करना शुरू कर देता है, ठीक है। और एज अ होल जो हमारा प्रोडक्ट है चूंकि वो कलरलेस था, तो हम कहते हैं कि कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये बात देखते हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो चुका है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने अमाउंट रिएक्टेंट की मिल रही है उस दौरान प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतना ही प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो इसके बाद हम कहते हैं ना तो जो है रिएक्टेंट की
अमाउंट चेंज होती है और ना ही प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होती है। चूंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसलिए फिर हम कहते हैं कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक कलर, ठीक है, डेंसिटी, ये भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। सो ये हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। फोर्थ वन पे हम चलते हैं और फोर्थ की बात करते हैं कि चौथी जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। बेसिकली तौर पे आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन होगा, वो हमारा बेसिक तौर पे मेन टॉपिक है जिसको हम जो है डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है जी। सो अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है, देखो हम जानते हैं कि हमेशा जो इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है, ठीक है, इस हवाले से हम कहते हैं कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इक्विलिब्रियम की जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम की टर्म को यूटिलाइज करेंगे, इक्विलिब्रियम जो है इस टर्म को हम जो है लेकर चलेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। सो अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हो और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हो, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इवन रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है और इवन प्रोडक्ट से भी जो है उसका आगाज हो सकता है, कहीं से भी रिएक्शन का आगाज हो जाएगा, ठीक हो गया। सो हम यहां पर इस वक्त लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अटेनेबल फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, ठीक है। यानी यहां से हम यानी कहीं से भी जो है इसका आगाज देख सकते हैं, कहीं से भी इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, वो स्टार्ट हो सकती है। हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है, जबरदस्त, ठीक हो गया। सो आप लोगों को अब तमाम जो है नजर आ रहा होगा, मैंने पहले कुछ चीजें जो है वो आउट ऑफ फ्रेम लिख दी थी, लेकिन अब वो जो है हम शुक्र अदा करेंगे हमारे क्रू मेंबर के जिन्होंने इसको अब जो है विजिबल कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है भाई। सो इस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि इक्विलिब्रियम जो है वो किसी सिम्ट से भी जो है अटेन किया जा सकता है। मैं एग्जाम्पल आपको दूं, मैंने कल भी एग्जाम्पल आप लोगों को दी थी कि अगर जो है नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से मिलाते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कि अमोनिया फॉर्म करता है, अमोनिया बनता है, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो इक्विलिब्रियम स्टेज आना थी वो इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्टेंट्स के थ्रू भी आ सकती है, वो ही इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो प्रोडक्ट के थ्रू भी अटेन हो सकती है। ये फोर्थ पॉइंट इस आइडिया को, इस बात को आप तक पहुंचा रहा है, कन्वे कर रहा है, ठीक हो गया। और अगर हम जो है लास्ट बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जो है क्या कहते हैं भाई लास्ट जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के हवाले से लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसकी अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, वो जो है क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम कोई भी कंडीशन जो है रिएक्शन की चेंज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन की कंडीशंस का मतलब क्या होता है ये भी हमें देखना है। पहले मैं पॉइंट राइट करता हूं, फिर मैं इस बात को कन्वे करूंगा, समझाऊंगा और फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ को मूव करूंगा। मैं कहता हूं कि इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब will be disturbed, ठीक है, if we change the reaction condition, if we change the reaction condition like pressure, temperature, एंड वॉल्यूम, ठीक है भाई। इनमें से कोई भी कंडीशन आप चेंज करोगे तो अल्टीमेटली ये होगा
कि जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन चाहेगा कि दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीगेन कर ले, रीस्टोर कर ले, ठीक है। सो हम ये बात कहते हैं कि ये फ्लॉस पॉइंट हम कहते हैं कि एक दफ़ा जो है सर प्लीज़ मैसेंजर पर चेक कर लीजिएगा, मेरा मैसेंजर नहीं भी मनाही चेक कर लूँगा, आप उसकी टेंशन मत लें, मैं ज़रूर चेक कर लूँगा। अब फिलवत इस वक्त हम जो है इस पर फोकस करते हैं जो हमने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। मैं आपको बता रहा था कि अगर एक दफ़ा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, ठीक है, एक दफ़ा जो है सिस्टम के अंदर रिएक्शन के दौरान जो है इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए, ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन मैं अगर चेंज करूँगा तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज हुई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम दोबारा से जो है वापस अटेन होने की कोशिश करेगा। रिएक्शन के दौरान हम कहते हैं कि वापस से इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक हो गया। सो ये मेरे पास रिमेनिंग 3 पॉइंट्स थे, मैंने कल आप लोगों को 2 पहले समझा दिए थे, तो इस हवाले से आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है, आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन आपका है तो जरूर आप मुझसे पूछें, मैं जरूर चाहूंगा कि मैं हर एक क्वेश्चन का आपके आंसर करूं और आपको समझाऊं, तो जल्दी से मुझसे पूछ लें। शाबाश। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं है, आपको तमाम चीजें समझ आ चुकी हैं, तो आप क्लियर मेंशन करेंगे ताकि मैं जो है आगे चल सकूं, हम अपना टाइम जाया मत करें और आगे चल लें। थर्ड वाला पॉइंट कह रहे हैं कि भाई लियाकत के लियाकत नहीं बल्कि लाबी कुछ नाम इनकी है, लाबी ठीक है, आमिर कुछ इनका नाम है, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो रिपीट किया जाए, बिलाल भी यही कह रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट क्या है, वैसे तौर पे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, जब एक दफ़ा स्टेब्लिश हो गया रिएक्शन के अंदर, एक दफ़ा इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, वो स्टेब्लिश हो गया, ठीक है, वो एक दफ़ा इक्विलिब्रियम आ चुकी है स्टेट, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, तो हम कहते हैं कि भाई ना तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट चेंज होगी ना प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होगी। आप इस जो है रिएक्शन पे जरा गौर करें, जो थर्ड पॉइंट के हवाले से बात कर रहे थे, मैं उनको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये देखो जरा इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब होता यह है कि जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए तो डायनेमिक का मतलब होता है कि जो कैरी करेगा, यानी रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा, रिएक्शन होता रहेगा, रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के अंदर आ जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, हम कहते हैं जितने रिएक्टेंट्स की अमाउंट मिल रही है, यानी लेट्स सपोज रिएक्टेंट के 3 अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस दौरान ही जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट के डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, यानी जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की कंज्यूम हो रही है उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की वापस कंज्यूम होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के हवाले से नहीं, क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन चलता रहेगा, हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के दौरान ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज होती है ना प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होती है, और अगर इन दोनों की अमाउंट चेंज नहीं होगी तो हम कहते हैं कि कलर या डेंसिटी जो है रिएक्शन की वो चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। ये हमने बात कर ली। अच्छा, उसके वाले से उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट रिपीट करने का कहा फरुख ने, और इसके बाद सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करने रेहा ने भी कहा। सो लास्ट पॉइंट में हमने ये बात कही है कि अगर एक दफा रिएक्शन जो है, ठीक है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, ठीक है, एक दफा रिएक्शन हो रहा था उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम हो गई, ठीक है, तो अगर इस दौरान मैं रिएक्शन जो है, ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन चेंज करता हूँ, कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो मैं रिएक्शन के हवाले से रिएक्शन जो एनवायरमेंट है उसका प्रेशर चेंज कर दूं, या मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, या मैं वॉल्यूम चेंज कर दूं, इनमें से कोई भी कंडीशन मैं चेंज करूंगा तो अल्टीमेटली यही होगा कि हमारा जो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हम कहते हैं कि वापस से रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम गेन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट मैंने कर दिया है,
सेकंड पॉइंट सर बता दें तो मुबशर फिर से बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सेकंड पॉइंट जो आज का मैंने लिखा, यानी फोर्थ पॉइंट जो लगता है मतलब होगा, वो लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम गेन करने का प्रोसेस है वो इस तरफ से भी हो सकता है और इस तरफ से भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ से हमारे पास इक्विलिब्रियम गेन हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन दोनों तरफ से चल रहा है, आगे भी जा रहा है पीछे को भी आ रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं दोनों तरफ से हम जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, अरीबा आपको मैंने अभी क्लियर किया ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी कर दिया, लास्ट पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से अब आपके क्वेश्चन नहीं होगा सर, डोंट इग्नोर प्लीज आंसर, वाटर कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी मैंने कल भी शावेस ये कल भी मैंने आपको आंसर किया था कि भाई जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें से करंट इतना आसानी से पास ना कर सके, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं, वो वाला वाटर नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें मिनरल्स होते हैं, उनमें आयंस होते हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं कि पानी जो है ना उसको तोड़ने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा इंटेंस फॉर्म में वोल्टेज रिक्वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है। ठीक हो गया, इतनी आसानी से नहीं टूटता, तो हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर कह रहे होते हैं कि मुमकिन नहीं है कि वाटर टूट के अपने अपने कंपोनेंट्स यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर वो कंडीशन अप्लाई कर दी फिर रिवर्सिबल जरूर हो जाएगा। ठीक है, निकल भी आपसे ये बात जो है क्लियर की थी। ठीक है भाई, अच्छा इसके बाद मैं इसको रेस करता हूं और अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ को हम मूव करेंगे जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उस हवाले से हम जो है आपको मैं इस वक्त ब्रीफ करूंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस वक्त जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, तो आपने दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं चाहूंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सी चीज भी शेयर करूं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम अभी इस वक्त लेने लगे हैं, सो इंट्रोडक्शन लेते हुए हम चाहेंगे कि आपसे कुछ नई बात भी शेयर करें, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं। ठीक है भाई, सो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दो मेजर साइंटिस्ट, ठीक है, कि जिनकी कंट्रीब्यूशन है इस लॉ ऑफ मास एक्शन को बनाने के हवाले से, उनकी पिक्चर मौजूद है। ठीक है भाई, ये वो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने हम सिंपली कहते हैं कि भाई क्या किया था, इस लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया था, इसको बनाया था। सर वाई सर आर वी नॉट डूइंग टेस्ट योरसेल्फ 9.1 नाउ? भाई क्या मतलब, समझ नहीं आई भी 9.1 का टेस्ट। अच्छा, आप चाहते हैं कि 9.1 का हम टेस्ट ले लें, बिल्कुल सही है भाई। ज़हरा मैं आपको बताऊं कि हम जो है सर हमारा टेस्ट कब होगा, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों का टेस्ट अनफाल और ज़हरा दोनों का आंसर इस वक्त कर रहा हूं कि भाई हमने आप लोगों का टेस्ट प्लान किया हुआ है, हम आपसे MCQs टेस्ट देंगे और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर मैं आप लोगों से जो है सब्जेक्टिव टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, वो टेस्ट भी आप लोगों का होगा। ठीक है, सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं भाई लॉ ऑफ मास एक्शन की, और लॉ ऑफ मास एक्शन के बनाने के हवाले से जिन दो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है भाई, तो जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है इस लॉ को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, उनकी पिक्चर जो है आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनकी जो आप कह लें कि डायग्राम है, यानी जो पिक्चर है, इमेज है, ठीक है, वो आप लोगों के पास इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ठीक है, बेसिकली इनके नेम क्या है, इनके नेम है गुलबर्ग, ठीक है, एंड वेग, ठीक है, गुलबर्ग और वेग, ये दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिनके जो है हवाले से हम कहते हैं टेस्ट योरसेल्फ। सर आई एम आस्किंग अबाउट टेस्ट योरसेल्फ, समझ नहीं आ रही भाई आपने इनफाल, मुझे क्लेरिफाई करें इस चीज को, आप क्या पूछ रही हैं, कौन से टेस्ट की आप बात कर रही हैं इस पर। ठीक है भाई,
सो लॉ ऑफ मास सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो गुलबर्ग और वेग की इस वक्त आप जो है पिक्चर देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये वो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने 1869 के अंदर इस लॉ को पेश किया था, प्रपोज किया था, बनाया था, ठीक है, इन 1869, ठीक है, प्रपोज्ड, ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया था कि जो है इसको बनाया था, इसको प्रपोज किया था, इसको फॉरवर्ड पुट फॉरवर्ड यानी कि पहुंचाया था लोगों तक, इस हवाले से बात की थी, ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूशन है इन दो साइंटिस्ट की, कि जिन्होंने कि जिनके तहत हम कहते हैं कि हमारे पास जो है फाइनली तौर पे एक लॉ बना, ठीक है। और ये लॉ क्यों बना, ठीक है, इस हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के लिए क्लेरिफाई करूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस वक्त हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे इन दो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के जो हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज करने के हवाले से, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है भाई, तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर, अच्छा यहां पर, अब यहां पर ये है कि नो अनफॉल वी आर डूइंग 9.2 लॉ ऑफ मास एक्शन, यहां क्वेश्चन जो है उसको एलेबोरेट किया गया समहाउ, बुक पर क्रिटिसिस के नीचे क्यों है उनकी बात कर रही है। अच्छा चलें भाई, समझ आ गई है। अच्छा अब्दुल्ला अनफाल और सब के सब आप कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक इस वक्त टेस्ट यूर सेल्फ मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई है, एक टेबल मौजूद है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो नहीं हम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हम जो है इस वक्त पंजाब बोर्ड की बात कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड के अंदर जो है ये जो टेस्ट योर सेल्फ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनमें से जो है जो क्वेश्चन जो है वो बहुत कम आता है या रेयर होता है, नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। जो फेडरल बोर्ड के होते हैं उनमें जो एक्टिविटीज दी जाती हैं उनकी बुक के ऊपर, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर करवा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ज़रूर जो है इसको भी करवा दूंगा। हम जाहिर सी बात है लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हैं, ठीक है भाई, लर्निंग के प्रोसेस में हैं हम, बुक से हटकर अगर कोई चीज़ है या कोई बुक से रेलेवेंट, कोई टॉपिक से रेलेवेंट, कोई एक्स्ट्रा चीज़ है आप कहेंगे तो मैं ज़रूर करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पहले दिन कहा था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करना नहीं है सिलेबस को, बल्कि सीखना है, ठीक है। तो अगर हम टेस्ट योर सेल्फ करते हुए कुछ सीख पाएंगे तो जरूर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। सो अनफाल हम फिर इस तरह करते हैं कि फिर हम कल जो है टेस्ट योर सेल्फ लाजमी करेंगे, ठीक है। अब चूंकि मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन का, ठीक है, और मैं पिक्चर भी जो है आपके सामने विजिबल कर चुका हूँ, फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ मास एक्शन को परसू करते हैं और फिर उसके बाद हम लाजमी जो है वो भी कर लेंगे, जो आप इस वक्त कहें थी टेस्ट योर सेल्फ वाला वो भी हम जो है कर लेंगे, टेस्ट योर सेल्फ जो बॉक्स में बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे समझ आ गया है, ठीक है, ठीक है भाई, वो भी हम करेंगे, कोई इशू नहीं है, यस सर करवाएं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आयशा हम इसको इस तरह करते हैं कि इस वक्त चूंकि मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर चुका हूं और इसको इंट्रोडक्शन इसका दे चुका हूं, सो हम ब्रेक नहीं लगाते हैं यहां पर, ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि फिर हम इसको कैरी करते हैं और कल के लेक्चर के अंदर मैं फिर आप लोगों को वो भी करवा दूंगा, ठीक है भाई, ये सही है सर, करवा दें, बिकॉज पेपर्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चले भाई ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप वेट कर लें क्योंकि अभी इस वक्त हम ये स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसको करके एंड फिर उसके बाद वहां पे आ जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा सो अच्छा अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो मैं पहले चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी डेफिनेशन जो है वो शेयर करूं और उसके बाद फिर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, उसकी हम बात करेंगे, ठीक हो गया। देखो बेसिक तौर पर मास एक्शन जो है इसमें स्पीड ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाती है, स्पीड ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाती है, यानी मैं अगर जो है एक रिएक्शन लिखूं, यानी लेट सपोज ए और बी जो है वो मिलके जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी, ठीक है, और सी और डी वापस कंबाइन होकर वापस रिएक्टेंट ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर समहाउ किसी ना किसी स्टेज पर जाकर इक्विलिब्रियम जरूर डेवलप होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डेवलप कब होता है, कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, आपने पढ़ा हुआ ना इस बात को, ठीक है, और रेट का मतलब क्या होता है कि द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कितनी स्पीड के साथ ये रिएक्टेंट्स ए और बी आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कितनी स्पीड के साथ ये प्रोडक्ट सी और डी वापस डिकम्पोज होके ए और बी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनकी हम बात करते हैं और इस हवाले से हम बात करें, इस ही को हमने जो है आगे देखे चलना है। फातिमा अच्छा भी बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई थोड़ा सा वेट कर लो, वो भी हम करेंगे,
कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्या आप ये रिपीट कर सकते हैं? क्या रिपीट करना है इरफान? इरफान आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको क्वेश्चन का टाइम दूंगा पूरा, आप उसके अंदर जो है अपने क्वेश्चंस करें, मैं तमाम क्वेश्चंस के आपको साथ साथ आंसर करता रहूंगा। सो मेरे ख्याल से अब आपने जो पिक्चर डायग्राम मैंने आप लोगों के साथ जो शो की थी, इन दो जो है साइंटिस्ट की थी, कि वो आपने देख ली होगी दिल भर के। सो मैं चाहूंगा कि मैं इसको जरा ख़त्म करूँ और मैं आप लोगों के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन राइट करूँ, जो कि मैंने इस वक्त आप लोगों के लिए राइट करनी है ताकि हम आगे चल सकें। सो मैं इस वक्त जो है ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसको मैं खत्म कर देता हूं और उसके बाद फिर हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, ठीक है भाई? ये ले जनाब, ठीक है। सो इस वक्त हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन की जो डेफिनेशन है उसको हम जो है गौर करते हैं, उसके हवाले से हम जो है वो बात करेंगे, ठीक हो गया। सो बेसिक तौर पे अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ फ्रैक्शन होता है, बेसिक तौर पे किसी भी एक रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं राइट करूंगा इसकी डेफिनेशन, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है भाई? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, ठीक है भाई? अब इस डेफिनेशन को हम गौर से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, और फिर आगे चलेंगे। सर प्लीज आंसर दैट व्हाई दिस लॉ वाज गिवन, ठीक है, द नेम एज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बेसिकली तौर पे आई थिंक मेहरी ने मेराब का ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का भी इस वक्त साथ में ही आंसर कर दूं। देखो इसकी डेफिनेशन में जो मेजर वर्ड है वो है रेट ऑफ फ्रैक्शन, और रेट ऑफ फ्रैक्शन किस बात पे मुनासिर है? मैसेज के ऊपर, ठीक है, किस पे? मैसेज के ऊपर मुनासिर है, यानी मैस के ऊपर डिपेंडेंट है, मैस के ऊपर जो है हम कहते हैं डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि चूंकि इस डेफिनेशन के अंदर जो यानी इस हम फिनोमिना के अंदर हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रैक्शन यानी स्पीड ऑफ फ्रैक्शन जो है चूंकि डिपेंड ही मैस पे करती है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस जो नेम की है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इसमें मैसेज की बात करते हैं और मैसेज के ऊपर डिपेंडेंट जो फिनोमिना है, जो रेट ऑफ फ्रैक्शन यानी स्पीड ऑफ फ्रैक्शन है, उसकी बात हम करते हैं, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन जो है हम कह रहे होते हैं, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी कि क्यों हम इसको ऐसा नाम दे रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले इस डेफिनेशन पे गौर करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द रेट ऑफ फ्रैक्शन, अब रेट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्पीड ऑफ फ्रैक्शन क्या है, इसका मतलब स्पीड ऑफ फ्रैक्शन। स्पीड ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जितना टाइम रिक्वायर होगा रिएक्टेंट्स को मिलके प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन या स्पीड ऑफ फ्रैक्शन, ठीक हो गया। सो द स्पीड ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, दो चीजें आपस में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम कहते हैं कि एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज भी खुद ब खुद इंक्रीज होती है, और एक चीज के डिक्रीज करने से दूसरी चीज खुद ब खुद डिक्रीज होती है, तो हम कहते हैं कि मैस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब एक्टिव मैस का मतलब क्या होता है ये बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, यानी कि मैसेज ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इतनी ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट की वो अमाउंट होगी कि जिसके थ्रू रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं, उतनी ही स्पीड ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगी। जितनी मैसेज कम होंगे रिएक्टेंट्स के, उतनी ही कम हमारे पास स्पीड होगी रिएक्शन की जिसके थ्रू रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक हो गया। सो ये बेसिक टॉपिक हमारे पास स्पीड ऑफ फ्रैक्शन जो है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मैस का मतलब
मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं इरेक्शन किस तरीके से होते हैं। जब भी इरेक्शन होते हैं कि जिनके थ्रू प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि तमाम के तमाम रिएक्शंस के अंदर, रिएक्शन के अंदर मुझे तमाम रिएक्टेंट्स आपस में फौरन से रिएक्ट नहीं कर लेते, बल्कि हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है, ठीक है, ये यानी तमाम रिएक्टेंट्स में से सिर्फ वो रिएक्टेंट जो है केमिकली कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे कि जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि वो आपस में रिएक्ट कर सके और प्रोडक्ट बना सके, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, देखो मैं आपको बताऊं कि हम ये बात कहते हैं कि जब जो है हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, हमने एक रिएक्शन चैम्बर के अंदर रिएक्टेंट्स डाल दिए हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स जो है ना हमने क्या कर दिए, डाल दिए रिएक्शन चैम्बर के अंदर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, उनमें से वो रिएक्टेंट्स, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स उनमें से के जिनके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है, सिर्फ वो ही कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो मैं जिन सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं एक्टिव मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ए, जैसे मैंने ऊपर वहां बल्कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो लेट्स सपोज मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, इनके मिल के, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी, ठीक है। ए और बी जो है इनको आपस में अगर हम मिलाते हैं तो इससे सी और डी प्रोडक्ट बनता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ए और बी में जितनी भी अमाउंट, लेट्स सपोज इसकी अमाउंट 5 ग्राम मैंने ली हुई है, ठीक है, तो 5 ग्राम के 5 ग्राम फौरन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि 5 ग्राम में से 2.5 या 3 ग्राम ऐसी अमाउंट होगी कि जो एक्टिव होगी, कि जो मिलकर आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। तो जो इसके इसके अंदर 3 ग्राम है जो कि जो है वो मैस है या वो अमाउंट है रिएक्टेंट का कि जिसके पास सफिशियंट एनर्जी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे एक्टिव मैस है रिएक्टेंट का, ठीक है। तो जितने ज्यादा हमारे पास एक्टिव मैस होगा, यानी वो मैस जिसके पास सफिशियंट एनर्जी है रिएक्टेंट्स के अंदर, इतना ज्यादा हमारे पास ये मैस होगा रिएक्टेंट्स का, उतने ही रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी और उतना ही मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हुए अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी। तो आपको डेफिनेशन समझ आई है, आप जल्दी से मुझसे पूछेंगे, अगर क्वेश्चन है तो बताएंगे, नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है जी। तो जल्दी से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर कहेंगे ताकि हम आगे चल सकें। क्वेश्चन सर प्लीज रिपीट कर दें। अब देखो आपका नाम एक तो आबान, ठीक है, वैसे नाम बड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने प्रोनाउंस कर लिया आबान, ठीक है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए और आप सबके सब जो बाकी हैं वो भी सुन लें। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी डिपेंडेंट है, यानी कि हम कहते हैं कि भाई किस पे डिपेंड कर रही है, यानी हम कहते हैं स्पीड ऑफ फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी। रेट ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हम ये बात कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ फ्रैक्टेंट के जो एक्टिव है, ठीक है, जिसके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि वो कंज्यूम होके अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए, इसे कहते हैं एक्टिव मैस, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि हमेशा जो रेट ऑफ फ्रैक्शन यानी स्पीड ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, वो इस मैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जो एक्टिव मैस हमारे पास होता है रिएक्टेंट्स का, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे सर, 2 ग्राम रिएक्ट नहीं करेगा एग्जैक्टली शावेज, सिर्फ वो अमाउंट रिएक्ट करेगी रिएक्टेंट्स की जिनके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती, जिसको हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हमारे पास ये होगी उतना ही रेट ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगा। सो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को।
सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो इस वक्त नया आने वाला सेगमेंट, उसकी मैंने पोस्ट आप लोगों को ऑलरेडी की भी है। यहाँ पर हमारे साथ कंटेस्टेंट भी होंगे जो 10th में से हमने जो है नॉमिनेट किया हुआ है जिनको, और बहुत अच्छा लग रहा है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं बहुत एफर्ट कर रहे हैं इस हवाले से, और अपनी स्केचेस जो हैं या जितने भी आपका टैलेंट है वो मुझ तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और इस हवाले से मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग भी एफर्ट करें, जो लोग जिन्होंने अभी तक मुझे अपना टैलेंट नहीं शेयर किया वो मुझसे शेयर करें, ताकि वो टैलेंट मुझ तक पहुंच जाए और फिर उसके बाद हम उसको जो है आगे आप तक पहुंचा सकें, और अपने जो टैलेंट हंट वाला जो समहाउ हम कहते हैं कि टैलेंट कंपटीशन या जो स्पेशल यानी संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसको हमने नाम रखा हुआ है, टाइटल रखा हुआ है, उसमें मैं फिर सबके सामने वो चीज़ लेकर आ सकूँ, ठीक है भाई। सो आप लोगों ने जो है ज़रूर इसमें कहते हैं पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और वो जो कि इस वक्त नॉमिनेट हो चुके हैं उनको जरूर जो है उनको दाद भी देनी है और उनको सराहना भी है, ठीक है, और उनकी पूरी पूरी मदद भी करनी है, ठीक है। सो आप सबके सब जो है बहुत अच्छे जो है स्टूडेंट हैं, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग एफर्ट करते हैं, उन एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए हमने ये आपके लिए सेगमेंट रखा है। सो आपसे कल जो है मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। कल तक के लिए मैं आपसे जाना चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने लेक्चर को रेट भी करना है, और उस हवाले से आपको लगता है कुछ कमी कोताही रह चुकी है तो वो आपने मेंशन भी करनी है, ताकि हम फिर उसके थ्रू जो है अपने लेक्चर के अंदर मजीद निखार ला सकें, मजीद जो इम्प्रूवमेंट बाकी है वो हम कर सकें। तो आपने ज़रूर ये काम करना है, आप इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। सो ये भी आपने ज़रूर करना है, और कल जो है आपसे मुलाकात होगी। हम इस वक्त कल जो है हम आपके लिए ला रहे हैं सुपर संडे का एक इवेंट, ठीक है, और सुपर संडे की टाइमिंग जो है वो 5:00 है, तो मैं आपसे कल 5 बजे मुलाकात करूंगा। कल संडे है लेकिन हमने एक इवेंट रखा हुआ है आप लोगों के लिए सुपर संडे का, उसमें मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, आपका वहां पर साथ मुझे चाहिए है। हम क्या करते हैं सुपर संडे के अंदर कि आप लोगों से कुछ जो है आसान से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो स्टूडेंट्स के जो आसान क्वेश्चंस का आंसर देते हुए सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं हम उन्हें फ्री लोड करवाते हैं, ठीक है, फ्री मोबाइल लोड देते हैं। सो ये गिफ्ट होता है उनका। कल 5 बजे हम लाइव होंगे आपके साथ, तो आपने जरूर जो है वो भी अटेंड करना है, मतलब जरूर जो है उसमें पार्टिसिपेट करना है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।